हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तोमर मल्टीटेक में। और आज मैं आपको जो हमारा पार्ट वन हो चुका है उसका पार्ट टू कराने जा रही हूँ। पार्ट वन हमारा एडोलेसेंट था, वो हो चुका है। उसमें हमने आपको पैटर्न्स बताए थे और एडोलेसेंट क्या होता है ये बताया था, और उनका प्रॉब्लम्स उनसे रिलेटेड क्या होती है, जो कि हर किसी को जानना जरूरी होता है। पेरेंट को जानना जरूरी होता है, टीचर को जानना जरूरी होता है, और एक स्कूल को भी जानना जरूर होता है। तो ये स्कूल भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स वगैरह में, तो इसलिए स्कूल भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, अब उसका उसके बाद आता है हमारा रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स। हर किसी स्टूडेंट की, हर किसी बच्चे की, हर किसी एडोलेसेंट कह लो, एडोलेसेंट की सभी की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, नीड होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है उनको, प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत होती है। ना कि हम ये कह देते हैं कि छोटे से हमारे स्कूल एजुकेशन स्कूल में चल भेज देते हैं हम, तो लेकिन उस स्कूल में भी एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। एक हमारा करिकुलम में एक पार्ट होना चाहिए जिससे कि वो बच्चा आगे बढ़ सके, वो पीछे ना रह जाए। वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इसमें आके, इस एज में आके बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, कुछ लोग पागल तक भी हो जाते हैं, और कुछ इतने ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं कि कह ही नहीं सकते, और कुछ मस्तमौला होते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। मस्तमौला होना चाहिए वैसे। तो आगे चलते हैं कि मैं कह बता चुकी कि हर स्कूल में हर टीचर को, हर पेरेंट को प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए। और एक वोकेशनल एजुकेशन से ही काम नहीं चलने वाला, या एक पर्सनल एजुकेशन जो हम उसको दे रहे हैं उससे काम नहीं चलने वाला। हमें उनको अलग से गाइडेंस देनी होगी, हमें सबसे पहले उनके बारे में जानना होगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारा है प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी। हमें साइकोलॉजी के बारे में जानना होगा, अगर वो बच्चे की कैसी नीड्स हैं, बच्चे की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमें जाननी होगी। वो एक टीचर को भी, वो एक पेरेंट को भी जाननी होगी। जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक वो बच्चे को समझ नहीं पाएंगे, और वो बच्चा कुछ भी करने को तैयार रहेगा। जैसे कि वो बच्चा कभी भी लड़ने को तैयार हो जाता है, कभी भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो वो उसके अंदर होता रहेगा, उसके अंदर चलती रहेगी। लेकिन जब हम उस बच्चे की साइकोलॉजी को समझेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करेंगे, तो फिर वो बच्चा थोड़ा सा लाइन पे आ सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुटेबल एनवायरनमेंट। हमें एक सुटेबल एनवायरनमेंट भी समझाना होगा उसे कि किस तरह से हम एक सुटेबल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। उसको एक गाइडेंस दे कि तुम्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए, उसे एक गाइडेंस दे कि तुम्हें क्लीनलीनेस मतलब सफाई रखनी चाहिए चारों तरफ, और उसे एक्सरसाइज के बारे में बताए। हर स्कूल में, हर कॉलेज में जरूर होना चाहिए कि बच्चे के फिजिकल एक्सरसाइज पे भी ध्यान दिया जाए हर जगह, ताकि वो बच्चा डिपेंड हो सके, या अपने ऊपर डिपेंड ही रहे, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना है, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो। हर बच्चे को फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है, वो उसे हर हाल में चाहिए, और हर स्कूल कॉलेज में ये एक मतलब करिकुलम में ये होना ही चाहिए कि बच्चे आके सबसे पहले, क्योंकि कोई बच्चा घर पे तो करता नहीं है। मैं ये 90% कह सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ कि 90% बच्चे घर पे कुछ नहीं करते। मैं कह रही हूँ कि ये एक करिकुलम का पार्ट होना चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज, ताकि बच्चे स्कूल में तो आके कम से कम कुछ करें। रेंडरिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, जो हमारा इसमें मेन पॉइंट है वो है सेक्स एजुकेशन है। हर बच्चे को सेक्स एजुकेशन के बारे में हर स्कूल में हर पेरेंट को फ्रेंकली बताना चाहिए। ये हर स्कूल में जरूर होना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के अंदर जब साइकोलॉजिकल चेंज आते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, तो उससे बच्चा डर भी जाता है, शौक में भी चला जाता है, पागल भी हो जाता है, मतलब सुसाइड तक करने की सोच लेते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो सुसाइड तक चले जाते हैं। लेकिन जब टीचर और पेरेंट्स और स्कूल फ्रेंक होगा तो बच्चे इस शौक में नहीं जाएंगे और अपना ध्यान रखेंगे। और एक बात हो रहा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता है कि ये बॉयज है तो ये सब कुछ कर सकता है, ये लड़की है ये कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए लड़के को और एक लड़की को एक कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, उन्हें इस तरह से नहीं रखना चाहिए कि भाई तू लड़की है नहीं, या फिर तू लड़का है तू तो सब कुछ कर लेगा भाई, या तू लड़की है तू कुछ नहीं कर सकती। तो ये हमें डिफरेंस ख़त्म करना होगा। जब तक ये डिफरेंस ख़त्म नहीं होगा तो ये सेक्स एजुकेशन बेकार ही है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर डीलिंग विद एडोलेसेंट।
क्या होता है कि पेरेंट्स हमारे पुराने जमाने के होते हैं और जो बच्चे हैं वो आजकल मॉडर्नाइजेशन में आ गए हैं, तो अगर बच्चा कुछ कहना चाहे तो पेरेंट्स क्या बोल देते हैं, हमारे जमाने में ये था, हमारे जमाने में वो था, तो इस तरह से कह देते हैं। तो इसलिए ये जनरेशन गैप हमें ख़त्म करके पेरेंट बच्चों की साइकोलॉजी को, वही बात आ गई हमारी, इस बच्चों की साइकोलॉजी को हमें समझना होगा, उसकी बातों को सुनना होगा। वो क्या करता है कि जब पेरेंट्स नहीं सुनते वो अपने फ्रेंड्स में ग्रुप में जाने लगता है। फ्रेंड्स भी ऐसे ही होते हैं, हम फ्रेंड को भी अपना नहीं कह सकते, लेकिन हम कुछ फ्रेंड्स होते हैं हम जिनके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि वो उसकी बातों को सुने, वो उससे जो क्वेश्चनिंग करता है वो उसे करने दें और वो उसका जो पेरेंट्स हैं उनका प्रॉपर आंसर दें। ये नहीं कि भाई हम ऐसे करते थे, हम वो करते थे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ऐसा ना करके उनकी बातों को सुने ध्यान से और उनके साथ प्रॉपर डीलिंग करें। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ इमोशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ इमोशनल नीड। ट्रेनिंग ऑफ इमोशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ इमोशनल नीड में ये जो एज होती है ना एडोलेसेंट की, इसमें इंटेंसिटी होती है, फोर्स होती है और इंस्टेबिलिटी होती है। उनके जो इमोशंस हैं, जो बच्चों के जो एडोलेसेंट हैं उनके जो इमोशंस हैं उनके बड़ी जल्दी ऊपर चले जाते हैं और बड़ी जल्दी नीचे आ जाते हैं, बड़ी जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं, बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं। इसलिए उनको कोई भी विफूल कर सकता, मतलब कोई भी मूर्ख बना सकता है उनको। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, पेरेंट को, टीचर को इस बात का ध्यान रखना होगा, उनकी प्रॉपरली उनको ट्रेन कर देना चाहिए कि कोई भी आपको आपका मजाक बना सकता है, कहीं भी कोई भी आपको मूर्ख बना सकता है। उन्हें ये बातें समझानी चाहिए कि कोई कैसे मूर्ख बना देता है, कोई कैसे हमें पागल बना सकता है। तो इसलिए पेरेंट को, टीचर को और एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन भी जोड़ सकते हैं क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है। नेक्स्ट इज टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एडोलेसेंट। हमें उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना होगा कि वो क्या चाहते हैं, उनका जो एप्टीट्यूड है वो बढ़ने लग रहा है, जो होने लग रहा है वो क्या है, क्यों होने लग रहा है ये सब कुछ। तो हमें उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना होगा, उनको एक प्रॉपर केयर देनी होगी, क्योंकि वो बच्चे किसी भी टाइम बहक जाते हैं, किसी भी टाइम कुछ भी हो जाता है। तो इसलिए उनको प्रॉपर केयर देनी होगी, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो कि तुम ये करो। उनको बिजी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बिजी रखने में भी इस तरह से रखना कि उनके साथ हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो टीचर का, पेरेंट का यहाँ पे एडोलेसेंट एज पे बहुत बड़ा, बहुत ही ग्रेट रोल आ जाता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन। सबसे जो एडोलेसेंट में जो सबसे बड़ी बात होती है वो इस स्टेज पे आके, एडोलेसेंट के स्टेज पे आके इनडिसिप्लिन हो जाता है, उसके अंदर डिसऑनेस्टी आ जाती है और एक एमलेस हो जाता है। तो इसलिए उस बच्चे को बहुत ही लाइन पे लाने के लिए हमें प्रॉपर प्रोविजन देना पड़ता है, उसको प्रोवाइड करने पड़ती है रिलीजियस एजुकेशन और एक मॉरल एजुकेशन उसको जरूर देनी होती है। हमें बताना होता है कि विदाउट एम यू कांट गो एनीवेयर। एम के बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, मतलब उसे बहुत सारी बातें, उसे ये बताना होगा कि सभी की रूट्स, सभी के गोल्स, जो रूट्स है, जो जड़ है ना रिलीजियस की, वो सब एक ही है। हर किसी में अगर हम पढ़ के देखें तो हर कोई सच्चाई बताना चाहता है कि सच के रास्ते पर चलो। इस तरह से हमें ये जो रिलीजियस है और रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर वोकेशनल एजुकेशन। एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस की जरूरत रहती है हर बच्चे को एडोलेसेंट के स्टेज पे। तो इसके लिए एक इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हमें क्या जॉब मिलेगी, क्या अगर हमें जॉब मिल गई है तो क्या हम स्टडी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से इसमें वोकेशनल एजुकेशन भी हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि बच्चा गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, वो घर पे पढ़ रहा है, तो कम से कम वो साथ साथ जॉब भी कर रहा है, तो हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा। नेक्स्ट इज अरेंजिंग गाइडेंस सर्विस।
अगर वो वोकेशनल एजुकेशन ले रहा है, इसी में हम बोल सकते हैं, अगर वो वोकेशनल एजुकेशन ले रहा है तो उसको एक गाइडेंस सर्विस की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या पता उसके अंदर इन चीज़ों की कमी हो, कुछ बच्चे उनमें कमी नहीं होती लेकिन बहुत में कमी भी होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो उसमें उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। तो इसलिए हमें एक ऐसी मतलब किसी से बात करके, बहुत सारे NGOs खुले हुए हैं, बहुत सब कुछ है हर जगह, तो इसलिए हेल्प लेनी चाहिए और बच्चे को वहाँ भेजना चाहिए। अगर हम पेरेंट्स उसे समझ नहीं पा रहे हैं तो टीचर्स ऐसे जगह भेजना चाहिए जहाँ से वो उसको समझ जाए और वो ठीक रहे। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कि वहाँ पे हमने उसको छोड़ दिया, नहीं, वहाँ पे भी पेरेंट्स का भी रोल जरूर होता है, क्योंकि उसे बात बात पे उनकी हेल्प करनी पड़ती है, अपने बच्चे के साथ रहना पड़ता है, जो वो कहेंगे वो करना पड़ता है। तो इसलिए पेरेंट्स का और टीचर का और एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। एक टॉपिक और है हमारा, करंट इशू रिलेटेड टू एडोलेसेंट स्ट्रेस, मतलब कि जो आजकल इशू चल रहे हैं कि किस लिए एडोलेसेंट स्ट्रेस में जा रहे हैं, उसके लिए हमें कोई भी एक ऐसा टॉपिक लिखने को आ सकता है एग्जाम में, कि कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो लिखिए जो जिसके कारण एडोलेसेंट स्ट्रेस में जा रहा है। सबसे पहला है हमारा इंक्रीजिंग लोनलीनेस। आज किस मॉडर्नाइजेशन में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस होने लग रही है, बच्चे अपने आप तक ही सीमित रह गए हैं और ना किसी से, ना कोई फ्रेंड, ना कुछ, अपना अपने में ही गुम रहते हैं। और इन सब, अब इसके अंदर है रीज़न कि ये किस लिए हो रहा है, इसके बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि एक तो सबसे पहला है फैमिली, जो हमारी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है और अकेले अकेले रहना स्टार्ट कर दिया इसने। फिर है नेबर्स, हमारे जो नेबर्स हैं वो भी लिमिटेड हो गए हैं ना, पहले क्या होता था लोग बाग एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन अब अगर कुछ हो जाता था तो आते थे एक दूसरे के पास, लेकिन अब सिर्फ तभी आते हैं जब कोई यूं लगे कि प्रॉब्लम हो, वरना हर कोई अपने में ही लिमिटेड रह गया है। पेरेंट्स के पास भी अब कोई टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स दोनों ही पेरेंट्स ही जॉब पे चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव नो टाइम, तो इसके ये रीज़न होंगे। अब इसका इम्पैक्ट कि उससे बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने लग रहा है, सबसे पहले तो उनके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है, वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, जब उनके पेरेंट्स तो हैं नहीं उनको गाइड करने के लिए, क्योंकि सभी जॉब में लगे चले जाते हैं, तो इसलिए नो वन इज देयर, और जो नेबर्स हैं वो अपने में ही रह जाते हैं, बच्चा स्कूल से आए या फिर कहीं भी घूमने गया हुआ है, अगर फ्रेंड की पार्टी में भी गया हुआ है तो उसके बाद आता है तो उसे कोई बात करने के लिए नहीं मिलता, तो इसलिए वो अकेला रह जाता है, तो इसलिए उसके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड आना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक कि बच्चा मेंटल इलनेस भी हो जाती है, ये भी इसका नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि मेंटल इलनेस हो जाती है, बच्चे को ड्रग्स की आदत होने लग जाती है, लीकर्स की, ड्रग्स की, इन चीज़ों की आदत होने लग जाती है, वो बात बात पे हैम्पर होने लगता है, और उसकी जो फिजिकल प्रोसेस है उसके कारण वो बात बात पे हैम्पर होने लगता है, ये इसके इम्पैक्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, इसका भी पार्ट हो सकता है और ये इसका भी पार्ट हो सकता है, ये हम इसका थोड़ा सा पार्ट हम इसमें भी लिख सकते हैं और इसका हम पार्ट इसमें भी लिख सकते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर भी, क्योंकि आजकल लोग बाग गांव से शहर में आने लग रहे हैं, तो छोटे छोटे घर होने लग रहे हैं, सब अपना सिकुड़ने लग रहे हैं धीरे धीरे, सब अपनी अपनी फैमिली में सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे इन्हीं में रह जाते हैं, तो ये फैमिली स्ट्रक्चर भी आजकल बहुत ज़्यादा चेंज होने लग रहा है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आ गया, हम इसमें कॉज में लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा आ गया है, तो हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास हर तरह की सुख सुविधाएं हो, बच्चे खुद आके कहते हैं कि मम्मी या पापा उनके पास ये सब है, हमारे पास क्यों नहीं है, तो इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को हर तरह की सुख सुविधाएं देने चाहते हैं, तो इसलिए जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लग रहा है, हर कोई जॉब पे चला गया तो ऑब्वियसली देर इज नो वन हु कैन टॉक, तो इसलिए लोनलीनेस आ गई, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। फिर इसके इम्पैक्ट आते हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं बच्चे के ऊपर, सबसे पहला तो यही हो जाता है कि वो अकेला रह जाता है, जब नेबर्स नहीं होंगे
एल्डर्स नहीं होंगे उसके घर में बात करने के लिए, तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अकेला फील करने लगता है, लोनलीनेस आ जाती है उसके अंदर। नेक्स्ट इज कि जैसे पहले फैमिलीज एक साथ रहती थी तो बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती थी, वो दादा दादी के पास, कभी चाचा चाची के पास, कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे में घूमते रहते थे, तो इस तरह से बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती थी, उसको हर तरफ से नॉलेज ही मिलती रहती थी, उसके दादा दादी उसको नॉलेज देते थे, उसके चाचा चाची ताऊ ताई जो भी सब कुछ होता है फैमिली में, जो जॉइंट फैमिली में होता है, वो सब कुछ उसे एक नॉलेज देते थे। लेकिन अब सिर्फ पेरेंट्स रह गए हैं और पेरेंट्स भी जॉब पे चले जाते हैं, तो ना तो उसकी ग्रोथ हो रही है अच्छे से, ना उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो इसलिए ये इसके इम्पैक्ट होने लग रहे हैं, इसके इम्पैक्ट होने लग रहे हैं चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर के, ये इम्पैक्ट होने लग रहे हैं। नेक्स्ट इज राइजिंग परमिसिवनेस। परमिसिवनेस का मतलब होता है कि हम बच्चों को किसी तरह से एक छूट सी दे देना, कि जैसे आजकल डिक्शनरी है जो हम खरीदने की बजाय फोन में ही कह देते हैं कि यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करो और उसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं, तो बच्चे को हमने फोन दे दिया, अब वो उसमें मीनिंग ढूंढ रहा है या क्या कर रहा है, हम थोड़ा ना कह सकते हैं कुछ, तो इसलिए इस तरह से वो उसकी, वो क्या पता गलत रास्ते पे जा रहा है या फिर क्या पता सही रास्ते पे जा रहा है, तो ये परमिसिवनेस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ने लग रहा है। इसके कॉजेज भी हैं और इम्पैक्ट भी हैं। कॉजेज ये हैं कि आजकल जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लग रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लग रहा है, और यूं कह लो कि मॉडर्नाइजेशन बढ़ने लग रहा है, तो इसके कारण बच्चे को हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए तो पेरेंट्स तो जॉब पे चले जाते हैं, और आजकल जॉइंट फैमिली से सिंगल पेरेंट फैमिली बनने लग रहा है, ये इसके कॉजेज हैं। ये तीनों एक तरह से एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी में एक चीज़ तो कॉमन ही है कि सिंगल पेरेंट फैमिली होने लग रही है, तो ये सिंगल पेरेंट फैमिली जब टाइम नहीं दे पाते तो बच्चा खुद ही फोन यूज करता है और उसको खुद ही उसे छूट मिल जाती है, अब वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो वो उसके ऊपर डिपेंड है, या सही रास्ते पे जा रहा है वो भी उसके ऊपर डिपेंड रह जाता है ना। और दूसरी बात आ जाती है कि नेबर्स सब एक दूसरे से में सिमट गए, अब सिमट सी गए हैं, ना वो उसके दुख में काम आता ना वो उसके दुख में काम आता, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, हम तीनों के कॉजेज एक दूसरे में करके लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है एडोलेसेंट एंड रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स, ये आया हुआ है एग्जाम्स में, तो इसलिए फ्रेंड्स एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, और अपना ध्यान रखना, और मेरी नेक्स्ट वीडियो क्लास 9th की चैप्टर वन मैथ्स पे आने वाली है, क्योंकि मेरे 4-5 फ्रेंड्स ने मेरे को बोला है कि थोड़ा मैथ्स का भी करा दो, तो मैं इसलिए अब मैथ्स का कराने वाली हूँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का ध्यान रखना जो अभी जल्दी आने वाली है, क्लास 9 चैप्टर 1 मैथ्स।